नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। यूपी में 2024 से पहले नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। इसे लेकर सियासी बिसात बीत चुकी है। सपा और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पहले वे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करेंगे और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में न बुलाने की वजह पूछेंगे। इसके बाद ही गठबंधन के भविष्य और राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने को लेकर फैसला लेंगे। 15 जुलाई को मुलाकात का समय मांगा गया है। राजभर ने तो यहाँ तक कहा है कि अखिलेश से दो टूक पूछेंगे कि उन्हें अब हमारी जरूरत है या नहीं, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सुभाषपा के 6 विधायक हैं। चर्चा ये चली कि 4 विधायक सपा तोड़ लेगी। इस पर राजभर ने प्रतिक्रिया दी है कि हमारे विधायक जहां भी वोट देंगे एक साथ देंगे। तंज कसते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले अपने चाचा और पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव का वोट तो यशवंत सिन्हा को दिलवा कर दिखाएं, तब सुभाषपा विधायकों को तोड़ने के बारे में सोचे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक तो अभी नहीं टूटे, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप ने नई पार्टी खड़ी कर दी है। शशि प्रताप ने कहा है कि राजभर केवल अपने बेटे और पत्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह देश के सबसे बड़े झूठे नेता हैं। शशि प्रताप ने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई है। खैर, राजभर पर भाजपा की भी पूरी नजर है।